अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की हमने बात कर ली है, हम बात करेंगे एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की। एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में क्या है कि वेल द कार्सिनोमा को कब कहते हैं हम एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कि जब तुम्हारा कार्सिनोमा जो है वो क्रॉस कर जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और तुम्हारा कहाँ पर क्रॉस आ जाए मस्कुलरिस प्रेपिया भी इन्वॉल्व हो जाए या फिर उसके आगे भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा मिलने लगे, तो एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहलाने लगेगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, अब फोकस करके उन सभी के अब हम एक एक करके हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है कि अल्सरेटिव कार्सिनोमा। अल्सरेटिव कार्सिनोमा में क्या है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न है। इसमें हमको ग्रॉसली क्या देखने को मिलेगा, ग्रॉस में यही है कि ट्यूमर जो है तुमको किस तरीके देखने को मिला, फ्लैट देखने को मिलेगा, इन्फिल्ट्रेट करने वाला होगा, ये अल्सरेटिव ग्रोथ होगी ये, और इरेगुलर नेक्रोटिक बेस होगा और रेस्ट मार्जिन्स होंगे। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा ये, गैस्ट्रिक कैनाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। डायग्राम आप देख लो ग्रॉसली में कैसा देखने को मिल रहा है ट्यूमर, और माइक्रोस्कोपिकली जब हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे तो हिस्टोलॉजिकली में कैसा क्या है तुम्हारा, कि अल्सरेटिव कार्सिनोमास जो है तुम्हारे वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एडिनो कार्सिनोमास है। ठीक है, तो जो एडिनो कार्सिनोमास जो तुमको देखने को मिल रहा है वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। और इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, और जो अर्ली गैस्ट्रिक वाला था उसकी हिस्टोलॉजी में हमने देखा था कि जो तुम्हारा एडिनो कार्सिनोमा है वेल डिफ्रेंशिएटेड था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। अब यहाँ पर एडिनो कार्सिनोमा की बात तो हमने की है, साथ में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, वो है ट्यूबुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। ट्यूबुलर पैटर्न या फिर असाइनर पैटर्न जो है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब सेकंड टाइप की हम बात करेंगे तो इसमें है फंजेटिंग कार्सिनोमा, इसको हम पॉलीपॉइड कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन पैटर्न है। ग्रॉसली हम यहाँ पर क्या देखेंगे और हिस्टोलॉजिकली क्या देखेंगे, ग्रॉसली देखेंगे तो एक कॉलीफ्लावर ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें ल्यूमन में। कहाँ देखने को मिलेगी, ल्यूमन में देखने को मिलेगी। कहाँ के ल्यूमन में, मेनली फंडस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा, और ट्यूमर जो है तुम्हारा उसमें नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगी और इन्फेक्शन जो है वहाँ पर कॉमन भी देखने को मिलेंगे। तो ग्रॉसली हम क्या डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम बना देना, बातें जो बतानी है वो बता देना। हिस्टोलॉजिकली में कैसा क्या देखने को मिलेगा कि एडिनो कार्सिनोमा जो है वो यहाँ पर वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा। ठीक है, तो जैसा हमने ईजीसी में देखा था अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में वेल डिफ्रेंशिएटेड था, तो यहाँ पर भी वेल डिफ्रेंशिएटेड है। और जो पहला वाला हमने देखा था तुम्हारा अल्सरेटिव कार्सिनोमा, वहाँ पर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा था, और यहाँ पर तुम्हारा वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनो कार्सिनोमा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, पैपिलरी पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बता देंगे और डायग्राम बना देंगे हम तुम्हारा। अगला है तुम्हारा सीनस कार्सिनोमा, थर्ड है तुम्हारा टाइप सीनस कार्सिनोमा, इसको हम लिनिटस प्लास्टिका भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रॉस में हम क्या देख रहे हैं कि स्टोमक की वॉल जो है वो थिक हो जाएगी। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में भी हम दिखा देंगे कि स्टोमक की वॉल जो है वो तुम्हारी थिक दिख रही है। ठीक है, और ये क्यों, इस स्टोमक की वॉल थिक क्यों हो रही है, क्योंकि डेस्मोप्लाजिया के कारण थिक हो रही है। डेस्मोप्लाजिया क्या है कि फाइब्रस टिश्यू जो है वो तुम्हारी फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होने लगती है, यूजुअली कैंसर वगैरह के कारण। तो ये डेस्मोप्लाजिया मेन कारण होता है इसका, स्टोमक की वॉल की थिकनिंग का। जिस इस थिकनिंग से क्या होगा कि जो स्टोमक है उसमें अपीरेंस आ जाएगी लेदर बॉटल स्टोमक की, ये जो अपीरेंस ही कहलाती है लेदर बॉटल स्टोमक या फिर लिनिटिस प्लास्टिका। ल्यूमन जो है स्टोमक का वो रिड्यूस हो जाएगा, कोई भी अल्सर देखने को नहीं मिलेगा कोई, लेकिन जो रीगुए हैं वो तुम्हारे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो एक ग्रॉस वाली एक और डायग्राम इमेज दी गई है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से रीगुए जो है तो इसमें प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई भी अल्सर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि एडिनो कार्सिनोमा जो है वो देखने को मिल रहा है, सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम अगर आप बना देना जो माइक्रोस्कोपिकली तुम्हारा दिया गया है कि सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा देखने को मिल रहा है, डेस्मोप्लाजिया देखने को मिल रहा है, और एडिनो कार्सिनोमा भी देखने को मिल रहा है। एडिनो कार्सिनोमा तो इस डायग्राम में दिखाया नहीं गया है कि ऐसा क्या है ना, लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तो इतनी बात बता देनी है। ठीक है,
फोर्थ है तुम्हारा कोलॉइड या फिर म्यूकोइड कार्सिनोमा। इसमें क्या है कि ग्रॉसली हम देखेंगे तो कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, फंडस में देखने को मिलेगा, और जो इसमें ट्यूमर का जो मास होता है वो तुम्हारा जिलेटिनस अपीयरेंस होती है उसमें। क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस, म्यूकस की लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीशन हुआ है, इस कारण से आपका जिलेटिनस अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्यूमर वाला डायग्राम आप बना देना और ग्रॉसली वाला। माइक्रोस्कोपिकली हमको क्या देखने को मिलेगा कि अबंडेंट पूल ऑफ म्यूसन देखने को मिल रहा है, पूल ऑफ म्यूसन देखने को मिल रहा है, और इन विच स्मॉल नंबर ऑफ ट्यूमर सेल्स आर सीन समटाइम्स हैविंग सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो ट्यूमर सेल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, हाँ देखने को मिल रहा है, जिस वो जो कि सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। फिफ्थ तुम्हारा अल्सर कैंसर, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर। तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर, अगर बहुत लंबे समय से तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिल रहा है और उसमें अगर कैंसर हो जाए तो वो तुम्हारा अल्सर कैंसर कहलाता है। ये काफ़ी रेयर कंडीशन है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें हमें यही है कि ट्यूमर देखने को, ग्रॉस में हमें ट्यूमर देखने को मिलेगा अल्सर में, और हिस्टोलॉजिकली क्या देखने को मिलेगा कि अल्सर कैंसर में तुम्हें एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल रहा है और अल्सर वगैरह भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है डायग्राम में। अगर आप देखो तो अल्सर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बिनाइन अल्सर और मैलिग्नेंट अल्सर के बीच में डिफरेंस बताया है। तो ये ज़्यादा आप डिटेल में मत जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्प्रेड की बात करेंगे अब हम।